नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, नई खबर आ गई है, आज की ताज़ा अपडेट है। जालौर जिले के लिए बुरी खबर है। आज जालौर जिले में कोरोना वायरस के 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए। जसवंतपुरा के कारलू गांव एक अधेड़ आया था पॉजिटिव। कलापुरा गांव में पति पत्नी भी आए कोरोना पॉजिटिव। चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। चिकित्सा विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप भी घर में रहे, सेफ रहे, कहीं बाहर जाने की कोशिश ना करें। वहीं अगली खबर आ रही है, जयपुर में कोरोना वायरस के हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को 57 मामले पॉजिटिव केस आए हैं। इनमें से उदयपुर में 20, जयपुर में 15, अजमेर में 11, पाली में 3, चूरू में, राजसमंद में 2-2, कोटा, बाड़मेर, जालौर और दौसा में 1-1 संक्रमित मिला है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3636 पहुँच गया है। इससे पहले शुक्रवार को कोरोना के 152 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसमें उदयपुर के 59, जयपुर में 34, चित्तौड़गढ़ के 10, कोटा के 9, जोधपुर में 9, अजमेर में 9, राजसमंद में 6, पाली में 5, भीलवाड़ा में 4, अलवर और झालावाड़ में 2-2, करौली और सिरोही, करौली और सीकर में 1-1 संक्रमित मिला है। वहीं 4 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। काफी बुरी खबर आ रही है। अब तक राजस्थान में कुल 103 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 10 कोटा, 2 भीलवाड़ा, 2 चित्तौड़गढ़, 56 उदयपुर, 17 जोधपुर, 4 अजमेर, 2 नागौर, 2 सीकर, 2 भरतपुर, 1 करौली, 1 प्रतापगढ़, 1 अलवर, 1 बीकानेर, 1 सवाई माधोपुर और 1 टोंक में इतने लोगों की मौत हो चुकी है। 6 मई तक 1075 मरीजों में से 304 मरीज यानी 28% ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के डर से टेस्ट कराया लेकिन अपना पता या फोन नंबर सही नहीं दिया ताकि अस्पताल में भर्ती न हो सके। हालांकि केस पॉजिटिव मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को जानकारी दी और इसका पता लगाकर अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन अब तक ये कोरोना बम के बाहर नहीं रहे। यही नहीं, लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई जानकारी दिए बिना ही टेस्ट करा लिया, फार्म कोई पता भी नहीं भरा, रैंडम सैंपलिंग के समय भी मरीज कोई एड्रेस प्रूफ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मरीज को पॉजिटिव मिलते ही पुलिस को उसे ढूंढने में काफ़ी दिक्कत सामने आ रही है। वहीं जालौर जिले से भी 800 से ऊपर सैंपल गए हैं, उसमें से कितने पॉजिटिव आते हैं और कितने नेगेटिव, ज़्यादातर नेगेटिव आ चुके हैं लेकिन अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी, वो भी आपको नए वीडियो में बताएंगे। ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे राजस्थान की जानकारी आगे तक मिल सके।